तुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन जॉब्स के बारे में, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि आपने इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप अप्लाई करने का कम्प्लीट प्रोसीजर जानना चाहते हैं और मुकम्मल तफसीलात हासिल करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक इजीली पहुँचती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने साइट ओपन है, इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की साइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आप रीड आउट कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको नीचे जो इसकी फादर डिटेल्स नज़र आ रही हैं इन असामियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ACP की जॉब्स के बारे में जो है डिटेल्स दी गई है, जो ये साइट है, जो ये न्यूज़ है, पोस्टेड डेट आपको बताई गई है 14 अगस्त को ये पोस्ट की गई है, यानी कि कल ही इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 14 अगस्त के बाद। तो इसके साथ ही एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहां से देख सकते हैं, बेचलर, इंटरमीडिएट, LLB, LLM, मैट्रिक और मिडल की जो रिक्वायरमेंट है। तो इसके साथ बाकी डिटेल्स आपको नीचे नज़र आ रही है। कंपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, एड्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद आपको नज़र आ रहा है। तो इसके साथ आप नीचे बाकी डिटेल्स देख सकते हैं, कंपनी का इंट्रोडक्शन भी आप रीड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन सी असामियाँ इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए खाली हैं, तो इनके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, कुक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, डायरेक्टर लॉ हैं, जूनियर असिस्टेंट्स हैं, नायब कासर्स हैं, सीनियर असिस्टेंट्स हैं, सीनियर लॉ ऑफिसर्स हैं, स्टेनोटाइपिस्ट हैं, सब असिस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपको जो तमाम डिटेल्स इसी साइट के अंदर मिलती हैं। तो इसके साथ ही आप नीचे देख रहे हैं मज़ीद जो डिटेल्स दी गई हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का जो है प्रोसीजर बताया गया है, और मैं अभी आपको बताऊँगा कि आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, कैंडिडेट्स आर इन्वाइटेड टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एट ECP ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपको एक साइट का सिंपली लिंक दिया गया है, तो आपने क्या करना है, आपने इसी साइट को हम यहाँ से जो है आपने लिंक कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैंने लिंक कॉपी कर लिया है, तो आपने इसी साइट को जो है यहाँ से ओपन कर लेना है अपने ब्राउज़र के अंदर। तो उसी लिंक को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो आपने यहाँ से जो है इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ जो फर्दर डिटेल्स हैं ओपन हो चुकी हैं एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की जो डिफरेंट टाइप्स हमें बताई गई हैं, तो दो टाइप्स हमारे पास नज़र आ रही हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर डायरेक्टर लॉ के लिए और सीनियर लॉ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उनके लिए पहले लिंक पर क्लिक कीजिएगा, और अगर आप दूसरे लाइन पर देखें तो BPR 16 एंड बिलो पोस्ट। अगर आप नीचे की जॉब्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी अगर क्वालिफिकेशन कम है तो आप जो दूसरे लिंक से जो अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म की। यहाँ पर मैं जैसे ही लिंक पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको ओपन करके देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। तो मेरे पास यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। आपने सिंपली अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करना है, अच्छे तरीके से फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो आपने जो इस पोस्ट के अंदर ही एड्रेस बताया गया है, आपने इस एड्रेस पर अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है, भेज देना है। तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर जो है एप्लीकेट में आल्सो फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन टू पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 1418 इस्लामाबाद। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का नंबर दिया गया है, यहाँ पर आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो भेज देनी है। तो इसके साथ ही अगर आप बाकी डिटेल्स देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।